अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम बनाएंगे कच्ची इमली का अचार। कच्ची इमली ली मैं, ली को ये सब तोड़ ली। ताज़ी इमली है ये, बासी नहीं लेना, ताज़ी लेना इमली को। तोड़ने के टाइम पे इसके नसा निकाल लेना, मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ। इस तरह खींच लिए तो नस ऐसा आता, नस को नहीं रख लेना, निकाल लेना। जो बाजू के काड़े हैं ना, ऐसे साफ होती है इमली। पहले धो ली, धो लेने के बाद में तोड़ के रख ली मैं। उसमें डाल लेंगे हरी मिर्ची, हरी मिर्ची नहीं पंडू मिर्चियाँ डाल लेना, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं गर्म पानी में लाल मिर्च को ये कर ली, उबाल ली थोड़ी देर। अगर आपके पास पंडू मिर्चियाँ हैं तो डाल ले सकते, मेरे पास नहीं है, मैं इसलिए इसको ऐसा कर ली। ज़ीरा, मेथी बघार के लिए, राई, तेल, मोटा नमक, बारीक नमक लेना ना, नहीं लेना लहसुन। कौन सा भी अचार बना रहे तो बारीक नमक नहीं, मोटा नमक इस्तेमाल करना। अब इसको भून लेंगे हम, इमली को थोड़ा तेल डाल के भून लेना, कच्ची इमली का नहीं बनाना। तेल डाल लेंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर भून लेंगे। भुल्ले को बनाने से अचार ज़्यादा दिन तक रख सकते, अगर कच्चा बना लिए तो नहीं रखते, 8 या 10 दिन तक रहता, उसके बाद ख़राब होना शुरू होता। भुल्ले को बनाने से 1 साल भी आप रख के खा सकते इंशाल्लाह। देखिए कलर बदलना शुरू हो गया है, इसको निकाल लेंगे। इसमें आप गाजर, कच्चे बटाने डाल ले सकते हैं, गाजर, ककड़ी, शिमला मिर्च, उसको थोड़ा तेल में। अब ज़ीरा भून लेंगे, ज़ीरे को थोड़ा भून लेंगे, ज़ीरा और मेथी, थोड़ी मेथी के दाने डाल लेंगे। इमली के अचार में मेथी अच्छी लगती और खुशबू भी अच्छी आती इसमें। इसको निकाल लेंगे थोड़ा लाल होने के बाद। हरी मिर्च को भी भून लेंगे, थोड़ा तेल डाल कर भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब हरी मिर्च, लहसुन, इमली और ज़ीरा मेथी को पीस लेंगे मोटे नमक के साथ। पानी में डालना है, इसे पीस लेना। इमली पीस लिए, इस तरह बारीक पीस लेना। पंडू मिर्चियाँ, पके हुए मिर्चियाँ डालने से नहीं, ऐसा लाल लाल आते ना मिर्ची, बहुत अच्छा दिखता है इसमें अचार में, इसलिए लाल होते ना मिर्चियाँ, वो मिर्ची लेना। ज़ीरा डाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। राई, बघार में भी थोड़ी मेथी डाल लेंगे, थोड़े डाल लेंगे।
लहसुन लाल मिर्च गैस को बंद कर लेंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हल्दी डाल लेंगे। तेल ठंडा हो रहा तब तक हम हदीस पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बीमारों को ज़बरदस्ती खिलाने पिलाने की कोशिश ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला इन्हें खिलाता और पिलाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह ताला की बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तेल थोड़ा ठंडा हो गया, अब हल्दी मिला लेंगे। हल्दी गरम तेल में मिलाने से जलती, इसलिए थोड़ी देर के बाद मिला लेना, क्योंकि इसका कलर नहीं बदलना मुझे। तेल में ही मिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक अच्छा डाल लेना, कम नहीं डालना नमक। देखिए हल्दी और तेल मिलने से कलर अच्छा होता है। इसको अच्छे से ठंडा होने देना, उसके बाद भरने में मिला ले रख लेना। अब जब भी अचार ले रहे साफ चम्मच से लिए तो बहुत दिन तक अचार होता। अगर आप छोटे चमचे से खाने का या सालन लगे हुआ लिए तो फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। इसमें कौन सी भी तरकारी आप डाल लेना चाहते हो, थोड़ा तरकारी को तल लेना, यानी कि गाजर, शिमला मिर्च, बैंगन, बीन्स की फली, सेम की फली, साफ धोले को तेल में थोड़ा नरम कर लेना, उसमें मिला लेना। अब भरने में भर लेंगे, भरने में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए इसमें डाल लिए, अब इसको ढक्कन नहीं लगाना, काटन का कपड़ा ऐसा डाल लेना, उसके बाद रबर से इसको लगा ले को। अब एक साल तक भी आप खा सकते हैं। बनाइए और खाइए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अल्लाह चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।